उस दौरान वो एक अलग ही लोक में चला गया था, वो खुद सुना रहा है अपनी माता पिता को, उनके मुख से मैं खुद सुन कर आया हूँ और मैं हैरान हो गया, ये तेरा एक्सीडेंट हुआ नहीं है, ये कराया गया। उसको जिस प्रकार हम फिल्मों में देखते हैं ना वो फ्लैशबैक दिखाते हैं, बापूजी ने उसी प्रकार वो फ्लैशबैक उसको दिखाया, शिवजी, विष्णु जी, गुरुदेव और साथ में ही व्रज आसन पे वहाँ पे हनुमान जी भी बैठे हुए थे। तो वो नीचे धरती दिखी और वो ऐसे तेजी से जैसे जेट विमान की तरह वो नीचे की तरफ आया यमलोक से होता होता, और गुरुदेव ने उसकी एक प्रबंध किया था एक देवी का, जो कि चार दिन वहाँ पे माता की शक्ति लेकर के उसकी सेवा में हाजिर हुई थी। इस अनुभव से पता चलेगा कि हमारे बड़दादा में जो बापूजी ने शक्तिपात की है कितनी बड़ी शक्ति है उसमें। बापूजी के बारे में जो जो बातें बताई वो तो मैं मतलब उस समय मेरी टांगें कांप रही थी पूरी, मैं सुन के ही हैरान ही हो गया। बापूजी ने ये भी बताया कि मैं इस एंडिंग में या फिर अगले साल की स्टार्टिंग में मैं ज़रूर आऊँगा। मेरा नाम मानित शर्मा है। तो ये उस दिन की घटना बता रहा हूँ जब हम कार्तिक मास की पूनम पे प्रभात फेरी के बाद अपने अपने घर को जा रहे थे। तो कुछ दो दिनों पहले तो आपने अंकुश भाई से कुछ सुना था, वो हम लोगों ने भी उसकी वीडियो मंगलमय में देखी थी, पर जब वो वीडियो देखी थी हमें तो लगा था कि वो ये तो बहुत बड़ा अनुभव है, और उसी की जानकारी लेने के लिए हम कुछ उनका सेहत का पता करने के लिए भी कल उनके घर गए थे। तो वहाँ पे जब उनके माता पिता से मिले और उनके माता पिता ने जब वो पूरा प्रत्यक्ष उनके जो लड़के का एक्सीडेंट हुआ हमारे गुरु भाई का, उनके मुंह से जब बापूजी के बारे में जो जो बातें बताई वो तो मैं मतलब उस समय मेरी टांगें कांप रही थी पूरी, मैं सुन के ही हैरान ही हो गया। तो कल जो मेरे को पता चला, और कल उनको बोला भी था आने के लिए यहाँ पे, हो सकता था कि वो भैया भाई जो जिनका एक्सीडेंट हुआ वो खुद बताते अपने मुख से, पर वो इस समय उनकी सेहत ठीक नहीं है इसलिए वो आ नहीं पाए, ना उनके माता पिता है। फिर भी जो जो बातें उन्होंने बताई हैं वो आप सबके सामने मैं बता रहा हूँ। तो जब उन गाड़ी लेकर के वो घर जा रहे थे या आश्रम के पीछे से, तो वहाँ पे एक ट्रक आ रहा था सामने से, तो वो मतलब पूरा उनको हिट करने वाला था। तो गुरुदेव की कृपा से उन्होंने साइड मारी तो साइड पे एक ट्रक लगा हुआ था, तो वो ट्रक वहाँ पे उनकी कार की साइड लग गई, तो जो उनके पिताजी थे उनको स्टेयरिंग उनकी छाती पे लगा और जो बेटा था उसके सर में गाड़ी लग गई, तो वहाँ से वो थोड़ा सा बाहर भी गिरा था। तो ये फ़ोन करने लग पड़े कि मतलब लड़के को उसकी याददाश्त ऐसा समझ लो कि इसको कुछ याद नहीं आ रहा था, आंखों के आगे अंधेरा आ गया हुआ था, और सतवारी में उसको एडमिट किया गया, तो वहाँ से सीधा सीधा उसको ना कर दी गई कि ये लड़का यहाँ पे सीरियस है, इसको नारायणिया हॉस्पिटल में ले जाओ। तो नारायणिया हॉस्पिटल में लेने के बाद उसकी खुद हालत मैंने अपनी आँखों से देखी थी, वो ऐसे मछली की तरह जैसे तड़पती है ना मछली, ऐसे वो तड़प रहा था। तो हम लोगों को तो गुरुदेव पे ही भरोसा था, डरे तो हम भी काफ़ी थे उसकी हालत देख करके, सिर से उसको खून भी बह रहा था, उसको रास्ते में ऑक्सीजन भी देने की मतलब ऐसी हालत आ गई हुई थी। पर उस दौरान जो उसके साथ हो रहा था वो हम नहीं जानते, वो बापूजी जानते हैं और वो जानता है। तो उस दौरान वो एक अलग ही लोक में चला गया था, वो खुद सुना रहा है अपनी माता पिता को, उनके मुख से मैं खुद सुन कर आया हूँ और मैं हैरान हो गया, वो एक अलग ही लोक में चला गया। मैं आपको बताता हूँ, उस लोक में जिस समय इसको ऑक्सीजन लगा ना, तो ये होश में नहीं था, कोमा ऐसे समझ लो, इसकी चेतना निकल चुकी थी। तो जिस लोक में ये गया वहाँ पे ये बता रहा है कि वहाँ कंकाल थे कई सारे, एक लाइन लगी हुई थी, तो एक कोई मोर पंख से उनका हिसाब किताब चल रहा था और एक शेर की तरह विशाल सा मुख था, उस मुख में वो सारे कंकाल जा रहे थे और ये भी पीछे की लाइन में था। तो ये जब आगे को आया तो वो बोलने लगी, ये कौन है, ये कौन है, अपने अखिलेश भाई के लिए। तो अखिलेश को एक प्रकाश सा दिखा, वो प्रकाश की ओर बढ़ा तेज़ी से बचने के लिए, तो वहाँ पे उसने शिव जी को देखा बहुत विशाल बड़े विराट रूप में, उनके पास इतना मतलब डरावना नाग था उनके पास। तो वो नाग देखने के बाद वो डर गया कि कहीं ये कुछ करेंगे नहीं, और वहाँ पे विष्णु जी भी थे, उसने वो देखा विष्णु जी भी थे, वो ऐसे क्लीन मतलब पूरा है उनका, ऐसे बच्चे की तरह दिख रहे थे। तो उन्होंने ऐसे बोला कि कौन है तू, कहाँ से आया है, तो वो डर गए और वो डरने लगे कि कोई अपना सा दिख जाए यहाँ पे। और उसी समय शिव जी के साथ में हमारे गुरुदेव प्रकट हुए वहाँ पे, गुरुदेव खड़े थे वहाँ पे, और गुरुदेव को देख करके उसने छलांग लगाई गुरुदेव के चरणों की और कहता, गुरुदेव बचा लो बचा लो, और वो कहता कि मैं इतना छोटा था और गुरुदेव के अंगूठे को भी नहीं पकड़ पा रहा था मैं। तो वो शिवजी और वो तो रुष्ट हो रहे थे कि ये कौन आ गया, कहाँ से आ गया। गुरुदेव ने उसके सिर पे हाथ फेरा और बोला, ये उनको शिवजी और विष्णु जी को बताया कि ये मेरा चेला है, ये मेरा शिष्य है। तो
तो उसको गोद में लेकर के उसको बोला कि तेरे पे बहुत बड़ा अटैक, ये तेरा एक्सीडेंट हुआ नहीं है, ये कराया गया है। उसको जिस प्रकार हम फिल्मों में देखते हैं ना, वो फ्लैशबैक दिखाते हैं, बापूजी ने उसी प्रकार वो फ्लैशबैक उसको दिखाया और वो ट्रक दिखाया जो आ रहा था। उसको बोला कि ध्यान से देख उस ट्रक में कौन है। उस ट्रक में कोई भी नहीं था, उस ट्रक में कोई भी नहीं था। और जब वो ट्रक आगे की पूरा उसको सीन बापूजी ने दिखाया और जैसे जैसे उसका एक्सीडेंट हुआ उसको तो पता ही नहीं था। तो बापूजी बोलते देख तेरे को कैसे बचाया। और वैसे ही बापूजी ने उसको इस एक्सीडेंट से 15 दिन पहले उनके घर ना किसी ने उसको बापूजी ने ना एक उसके घर की भी सारी बाउंड्री दिखाई कि किसी ने कुछ किया हुआ था। पूरी बाउंड्री पे दो जगह पे कुछ ना वो होते हैं ना ऐसे क्या बोल सकते हैं उनको, भूत प्रेत टाइप से, वो ऐसे दो जगह पे बैठे भी हुए हैं उनके घर के बाहर और लकीर सी किसी ने पूरी बाउंड्री पे खींची हुई है। उसको बापूजी ने अभी मना किया हुआ घर जाने के लिए और बापूजी ने बोला कि तेरे घर पे जितनी बार भी अटैक हुआ मैंने हमेशा हाथ रखा है। तेरे पिताजी को टाइफाइड भी होता है, उनके पिताजी ऋषि प्रसाद की सेवा करते हैं। तो उसके बाद उस लड़के को उस समय होश नहीं थी, वो ऊपर जब शिव जी विष्णु जी गुरुदेव और साथ में ही व्रज आसन पे वहाँ पे हनुमान जी भी बैठे हुए थे, तो बापूजी ने ये सब दृश्य उनको दिखाया, उसके पूरे अतीत के बारे में बताया कि तू पिछले जन्म में क्या था, कैसे जन्म हुआ था, किस घर में था, तू अभी कहाँ आया है, अपने बारे में गुरुदेव ने बताया। गुरुदेव ने बोला वो डर रहा था बापूजी से, तो बापूजी बोलते पता है ना मैं कौन हूँ, तो बोले कौन गुरुदेव, तो बोले मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ। तो वो बापूजी का उसने जो श्री चित्र वहाँ पे देखा तो एक मतलब युवावस्था में थे, इतने सुंदर इतने मतलब युवा थे उस समय बापूजी उस अवस्था में। तो वो बोलने लगा बापूजी आप तो वहाँ पे वृद्ध अवस्था में। बोले वो मेरा अवतार है, मैं 18वीं बार आ रहा हूँ और एक एक करके सारे अवतार बताए। 10वें अवतार में मैं नानक बन करके आया, 7वें अवतार में मैं वशिष्ठ जी बन करके आया और बताया कि 18वें ये अवतार के बाद मैं सतयुग में भी आऊँगा। और गुरुदेव ने ये तक बताया, एक एक शिष्य के साक्षी हैं, वो दृष्टा हैं बापूजी, हर एक को मतलब इस समय भी हैं, प्रत्यक्ष हैं, वो सबको देख रहे हैं। और बापूजी ने ये भी बताया कि मैं सबको जानता हूँ, आश्रम में जो ऋषि प्रसाद की सेवा करें मैं उनको भी जानता हूँ और मैं जल्दी ही बाहर आऊँगा, मेरे पे बहुत बड़ा किसी ने साजिश की हुई है और मैं इस एंडिंग में या फिर अगले साल की स्टार्टिंग में मैं ज़रूर आऊँगा। और इससे भी बड़ी चीज़, साधो साधो साधो, इससे भी बड़ी चीज़, वो लड़का 3 दिन तक तो होश में आ नहीं रहा था। बापूजी उसको रोज़ रात को सपने में आते थे, वो खुद बता रहा था। बापूजी जहाँ जहाँ वो जा रहा था बापूजी ने पूरा प्रबंध कर करके रखा हुआ था उसको, और वो तो था तो ऊपर उस लोक में और यहाँ पे उसका सारा ट्रीटमेंट चल रहा था। उसको होश तो थी नहीं और याददाश्त भी उसकी मतलब याद कुछ भी नहीं था उसको। तो बापूजी ने इसको सपने में बताया था कि तू यहाँ पड़ा हुआ है पर तू यहाँ ठीक होने वाला नहीं है। उधमपुर की किसी पहाड़ी के लिए बापूजी ने उसको कुछ रास्ता बताया, तो बापूजी ने बोला कि वहाँ जा, वहाँ तेरा इलाज हो जाएगा। पर जब इसने अपने माता पिता को बताया तो माता पिता देखने लगे कि उधमपुर इतना बड़ा है, कहाँ ढूंढेंगे गुरुदेव, वापिस सहारा हो हमारे। तो रात को जब ये सोता था बापूजी, ये खुद बता रहा है, खुद बता रहा है, कहता मुझे शर्म आती है बताने में, पर बापूजी मेरे अंगूठे दबाते थे और हनुमान जी साथ में बैठकर ओमकार का जप करते थे और पीछे पता नहीं कौन इसके सर पे हाथ फेरता था, इसको ठंडक मिलती थी। और आखिरी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अभी बहुत सारी बातें हैं, 20 मिनट तक गुरुदेव ने इसके साथ बातें की हैं वहाँ पर, सब कुछ बताया। और फिर उसके बाद हनुमान जी ने एक ज़ोर से पैर मारा है और वो लंबी सी लकीरें खींची है उस वहाँ पर, और गुरुदेव ने बोला जल्दी 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 चले जा। तो वो नीचे धरती दिखी और वो ऐसे तेज़ी से जैसे जेट विमान की तरह वो नीचे की तरफ आया, यम लोक से होता होता। और एक वो गुरुदेव शिव जी विष्णु जी और हनुमान जी ये चारों ओम बन करके एक ही लाइन में चारों का ओम एक ओम होकर के एक प्रकाश सा उसके अंदर आते ही वो हॉस्पिटल में जाग गया, उसको चेतना आ गई वापस। जब एक्सीडेंट हुआ तब उसकी स्मृति चली गई थी और आंखों की रोशनी भी चली गई थी, डॉक्टरों ने देखा कि उसको नहीं दिख रहा, उसकी स्मृति भी नहीं थी और उसकी रोशनी भी उस समय चली गई थी। और बड़दादा की मिट्टी जो, हाँ वही मैं बताने जा रहा हूँ अभी। और माता की तो गोद के लिए बापूजी ने बोला ही था कि मैं तुझे माता की गोद में इसलिए भेजा है क्योंकि वो शक्ति यहाँ पे नहीं आ पाएगी, उसको माता के भी प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं वहाँ पे। और गुरुदेव ने उसकी एक प्रबंध किया था एक देवी का, जो कि 4 दिन वहाँ पे माता की शक्ति लेकर के उसकी सेवा में हाजिर हुई थी। गुरुदेव ने उसको उसका नाम बताया था, वो लड़का कुछ भी नहीं जानता था पर उस देवी का नाम वो जानता था। उसने डॉक्टर आई उसके पास, वो बोलने लगी
कैसा है तू, ठीक है, मेरा नाम जानता है? उसने सीधा उसका नाम बोल दिया, वो मैम मैडम का। वो हैरान हो गई, तू मेरा नाम कैसे जानता है? बापूजी ने उसको सब कुछ बता करके रखा था। तो फिर आखिरी दिन जब ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है, आज भी मतलब हम देख रहे हैं और ये इस अनुभव से पता चलेगा कि हमारे बड़दादा में जो बापूजी ने शक्तिपात की है, कितनी बड़ी शक्ति है उसमें। उनकी माता जी यहाँ से 108 परिक्रमा करके संकल्प करके बड़दादा की मिट्टी लेकर के गए और जब वो मिट्टी उस बेटे को खिलाई गई, बिल्कुल फटाफट चुटकियां बजाते 10 मिनट के अंदर वो खड़ा हो गया। उसकी मतलब सारी याददाश्त आ रही, वो बोलता माता मम्मा बोलता होगा जो भी है, मम्मा मम्मा मैं तो इधर हूँ, मैं तो ठीक हूँ, आप क्यों घबरा रहे हो, मैं तो ठीक हूँ। सारे इधर उधर सारे हड़बड़ा गए, यार 3 दिन तक इसको कुछ याद नहीं, बोल नहीं पा रहा, ये कैसे बोल गया। 10 मिनट के अंदर वो बड़दादा की मिट्टी ने 1 मिनट में चमत्कार कर दिया। गुरुदेव की ऐसी कृपा है। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो ये और गुरुदेव ने ये भी बताया इनका नाम लेकर कि बड़पे वो बताइए आप। हाँ, और गुरुदेव जो जो लोग उसके भाई हमारा जब हॉस्पिटल में था तो कुछ लोग संकल्प भी कर रहे थे, बापूजी उनको भी जानते हैं कि मैं जानता हूँ जो जो संकल्प कर रहे हैं तेरे बारे में, उनका नाम उसको लिया हुआ है। और इतनी छोटी छोटी बातें बापूजी ने उसको बताई हुई हैं कि वो बहुत ज़्यादा जानता है। और अगर किसी को पर्सनली उससे जानना हो तो वो आप उससे मिल भी सकते हो, और हो सकता है ये ये आएगा ऋषि प्रसाद में, बहुत जल्दी आएगा, हो सकता है इसकी वीडियो भी आए उसके मुख से, वो अभी तो ठीक नहीं है। और भी कई सारी बातें हैं कि मतलब हैरान हो जाए बंदा, अभी तो यही छोटी सी बातें हैं कि आप हैरान हो गए, और कितनी सारी बातें हुई होंगी। तो एक एक छोटे छोटे को बापूजी जानते हैं, बापूजी ये भी जानते हैं कौन संकल्प कर रहा था, कौन तेरे लिए माला कर रहा था, और क्या मैं बोल नहीं सकता हूँ।